Hi students, so till now we have completed and we have discussed the alcohol abuse. Now today we start with a new topic, that is your drug abuse, drug addiction or drug abuse. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एडिक्शन है, मतलब ड्रग जो है या ड्रग एडिक्शन क्या है, ड्रग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दैट. तो नॉर्मली जो होता है ना, ड्रग्स हमने हम अगर देखेंगे तो जो यंग पीपल हैं, दे आर यूजिंग दिस ड्रग्स एंड दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू दिस ड्रग्स. ओके, even though this drugs can cause a lot of harmful effects, even though they are very this young people are get addicted to this drugs very easily compared to other group of people. ab ye hota kyun hai, aise kafi sare karan hai. basically kya hai, like proper education nahi hota hai, guidelines ya sorry proper guidance agar nahi hai kisi young individual ko, ठीक है, तो वो अपने आप को इस तरह के जो ड्रग एडिक्शन जो कि डेंजरस है उनके लिए फिजिकली मेंटली सोशली, तो उसके चक्कर में वो पड़ जाते हैं. ठीक है, अगर हम ड्रग की बात करें, ड्रग है क्या? इट्स एक्चुअली अ केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिजीज. नॉर्मली क्या होता है, ड्रग्स होता है ना, ये मेडिसिन में होता है ड्रग्स. ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रीटमेंट करना या डायग्नोस करना. ठीक है, या प्रिवेंशन करना, ये होता है ड्रग्स का बेसिकली काम. बट अभी जो जो एडिक्टेड लोग हैं, जो आपके ड्रगिट्स ड्रगिस्ट हम जिसे बोल सकते हैं या ड्रग एडिक्ट जिसे बोल सकते हैं, दे आर यूजिंग दैट टू हैव देयर ओन प्लेजर. ठीक है, और अगर प्रॉपरली अगर हम ड्रग को डिफाइन करेंगे कि ड्रग है क्या, व्हाट इज ड्रग एक्चुअली, so basically we can define the drug in this way, and according to WHO the drug we can define this way, that drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient. ठीक है, तो this is the definition of the drug. तो drug क्या होता है, it is it can be any substance or product that is used that is used or is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. ठीक है, treatment करने के लिए बात किया था कि हमने ना, कि treatment करने के लिए, prevention करने के लिए या diagnose करने के लिए use किया जाता है. ठीक है, so this is a proper definition of the drug. Now, drugs are normally used as medicine. Normally जो drugs है वो क्या होता है, medicine के हिसाब से use होता है. ठीक है, to help patient, right? But when drugs are taken for purpose other than their normal clinical use is an amount in an amount or concentration or frequency that impairs one's physical, physiological and psychological functions, now it constitutes drug abuse. नॉर्मली क्या होता है, ड्रग जो है वो पेशेंट को दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए या उसे प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, ताकि उसको पेशेंट को उनके सिम्टम से रिलीफ मिले. ये नॉर्मल कंडीशन है, क्लिनिकली यूज होता है ड्रग. बट अगर हम क्लिनिकली जो नॉर्मल यूज है उसको नहीं करके कोई इंडिविजुअल अगर उसे अपने पर्सनल मतलब मान लीजिए फिजिकल साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मतलब फंक्शंस को इनहेंस करने के लिए या जो भी उसका पर्पस है स्पेशली स्पेशली उसको इसके लिए वो यूज करें अदर देन द क्लिनिकल पर्पस, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ड्रग अब्यूज. ठीक है, अब देखो जो ड्रग अब्यूज है बेसिकली इट्स अ नॉन मेडिकल यूज. बेसिकली अगर हम बोलेंगे तो क्या है, क्लिनिकल. नॉर्मली ड्रग किसके लिए यूज होता है, मेडिकल. इट्स हैविंग यूज इन द मेडिकल इन द क्लिनिकल कंडीशन, राइट. सो अगर मतलब मेडिसिन में यूज होता है ड्रग्स, तो अगर मेडिसिन के अलावा लोग इसे यूज करते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेडिकल यूज. ठीक है, देन नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज आल्सो. ठीक है, एंड यूज फॉर हैविंग प्लेजर. ठीक है, मतलब डॉक्टर ने नॉर्मली जो होता है पेशेंट को जब डॉक्टर कोई दवाई या ड्रग
प्रिस्क्राइब करता है तो उसके बेसिस में पेशेंट जो है उसको मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी रीजन, मेडिकल कंडीशन, इफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज टेकिंग द ड्रग फॉर हैविंग सम प्लेजर, देन वी कैन कॉल इट एज अ ड्रग अब्यूज, ठीक है। एंड अ पर्सन हु टेक्स अ ड्रग फॉर नॉन मेडिकल यूज इज कॉल्ड ड्रग अब्यूजर, ठीक है। तो जो ऐसा करता है, जो बिना मेडिकल कंडीशन के ड्रग लेता है, तो हम उसे बोलेंगे ड्रग अब्यूजर, ठीक है। और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन, ठीक है। एंड द ड्रग्स आर कॉल्ड हैबिचुएटिंग ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। और ऐसे ड्रग्स हम क्या बोलेंगे, हैबिचुएटिंग ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। तो समझ में आया आपको, सो लेट अस हैव अ वेरी स्मॉल एंड क्विक रिवीजन। देखिए, ड्रग जो होता है वो मेडिसिन में रहता है, पहला आपको ये समझना चाहिए। और मेडिसिन का काम क्या है, कोई भी एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन है उसको ट्रीट करना, है ना। किसी को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर ड्रग्स बिना किसी मेडिकल कंडीशन के, बिना किसी यू नो लाइक पर्टिकुलर रीजन के, लोग अगर बिना प्रेस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अलावा, विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, समबडी इज कंज्यूमिंग दिस ड्रग्स, देन दिस इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। अब जो ये करता है उसे हम बोलते हैं ड्रग अब्यूजर। अपने पर्सनल प्लेजर के लिए अगर ऐसा कोई करता है तो हम उसे बोलेंगे ड्रग अब्यूजर, ठीक है। और ये जो ड्रग यूज करते हैं अपने प्लेजर के लिए, उसे हम बोलते हैं हैबिचुएटिंग ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। क्या बोलते हैं हम, हैबिचुएटिंग ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। अभी जो हैबिचुएटिंग ड्रग है या एडिक्टिव ड्रग्स होता है, ये बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या होता है दो तरह का, जस्ट अ मिनट, दो तरह का होता है, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट वी कॉल इट एज साइकोट्रॉपिक ड्रग, सेकेंड इज साइकोडेलिक ड्रग्स, ठीक है। एक होता है साइकोट्रॉपिक, दूसरा होता है साइकोडेलिक। सो आई विल शो यू अ फ्लो चार्ट विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ओके, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस सी दिस फ्लो चार्ट। या दो तरह के बेसिकली हैबिचुएटिंग ड्रग्स होते हैं, एक होता है साइकोट्रॉपिक, दूसरा होता है साइकोडेलिक, ठीक है। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग मतलब दे प्रोड्यूस चेंजेस इन द साइकी, मूड, फीलिंग एंड परसेप्शन। ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ये क्या करते हैं ना, दे आर मूड ऑल्टरनेटिंग ड्रग्स। ये क्या करते हैं ना, मूड को चेंज कर सकते हैं, बदल देता है मूड को, इंसान के मूड को बदल सकता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मूड alternating drugs which affect behavior and mental activity of a person। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर है, मेंटल एक्टिविटी है, उसे ये ड्रग्स कंजम्पशन से वो बदला जा सकता है, बदल जाता है, ठीक है। Now, psychotropic drugs are classified into four major groups। अभी psychotropic drugs और ड्रग्स को हम बेसिकली चार तरीके में, चार मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है, ट्रैंक्यूलाइजर, फर्स्ट इज ट्रैंक्यूलाइजर, दूसरा है सेडेटिव्स, तीसरा है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, तीसरा है ओपिएट, नार्कोटिक्स एंड चौथा है स्टिमुलेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। तो पहला है आपका ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है, दूसरा होता है सेडेटिव, तीसरा होता है एंटी डिप्रेसेंट या जिसको हम बोलते हैं यू नो बेसिकली ट्रैंक्यूलाइजर, and then we have stimulants, and then last one is first is tranquilizer, second is sedative, और जिसको हम hypnotic भी बोलते हैं, फिर opiate, narcotics होता है, और चौथा होता है stimulants। basically चार तरह का होता है, ठीक है। next is psychedelics, psychedelics में कितने तरह के होते हैं वो हम बाद में discuss करेंगे, ठीक है। Now, psychotropic drugs. So these are mood alternating drugs which affect the behavior and mental activity. Okay, this is activity. You please correct. This is not cavity. Mental activity. ACTIVIT, activity of a person. And these drugs are classified into four major groups: tranquilizer, sedative, and hypnotics. Then opiate, narcotics, and stimulants. ठीक है,
सो विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर. नाउ व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर देन? See, the tranquilizers are, they decrease that tension and anxiety and produce a feeling of calmness without sedating and inducing sleep. ठीक है, तो ये क्या करता है? They decrease tension and anxiety and produce a feeling of calmness without sedating and inducing sleep. ठीक है, तो बिना नींद आए, मतलब ये जो मेडिसिन है आप, मतलब इससे क्या होता है ना, जो लोगों का टेंशन है, एंजाइटी है, वो घट जाता है. ठीक है, और ये जो है ट्रैंक्विलाइजर है, बेसिकली दो तरह का होता है. एक होता है पहला फिनोथियाजीन्स और फिनोथियाजाइन्स, मेजर ट्रैंक्विलाइजर है ये, बहुत ज्यादा यूज होता है ये ट्रैंक्विलाइजर. ठीक है, नाउ दीज आर, ठीक है, पहला जो है जिसको हम बोलते हैं फिनोथियाजीन्स, दूसरा होता है बेंजोडिएज़ेपाइन्स, दो तरह का होता है बेंजोडिएज़ेपाइन्स, सेकेंड कैटेगरी है. फर्स्ट है फिनोथियाजीन्स. ठीक है, पहले बात करते हैं फिनोथियाजीन, विच इज ऑल्सो नोन एज द मेजर ट्रैंक्विलाइजर. नाउ दीज आर एंटी साइकोटिक ड्रग्स विच हैव गुड इफेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ साइकोसिस, स्पेशली सिज़ोफ्रेनिया. ये जो दवाई है अभी हम देख रहे हैं, ये बेसिकली जो मेंटल प्रॉब्लम, जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है, उनके लिए यूजफुल होता है, उनको उनमें ये यूज किया जाता है, जैसे स्पेशली सिज़ोफ्रेनिया जिनको है, उनको ये दवाई दिया जाता है. ठीक है, नाउ इन ए साइको इन ए साइकोटिक पेशेंट दीज ड्रग्स रिड्यूस एग्रेसिवनेस. अब जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें नॉर्मली उनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनका एग्रेशन को घटाने के लिए ये जो ट्रैंक्विलाइजर यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ थॉट एंड बिहेवियर आर ग्रेजुअली नॉर्मलाइज्ड एंड एंजाइटी इज रिलीव्ड. इसलिए ये जो मेडिसिन है, इसको लेने से क्या होता है, जो बेसिकली पेशेंट का जो थॉट है, बिहेवियर है, ग्रेजुअली वो नॉर्मलाइज हो जाता है, और जो एंजाइटी है उनका वो घट जाता है. ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, ये एक्चुअली जो जो ड्रग हमने देखा फिनोथियाजाइन्स, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, तो उसमें कुछ एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जैसे क्लोरपोमेजीन, देन रेसरपाइन एटसेट्रा. ठीक है, दीज आर एग्जांपल्स, दोस एग्जांपल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट यू नीड टू मींस यू हैव टू ओनली स्टडी टू द ग्रुप लेवल, दैट्स ऑल. देन बेंजोडिएज़ेपाइन्स, ये माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स है. नाउ दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर एंजाइटी एंड फोबिक कंडीशन. ये जो ड्रग्स है, ये कौन से पेशेंट के लिए यूज होता है, जिनको फोबिया है किसी चीज का, और जिनको एंजाइटी है, ऐसे लोगों को. एंजाइटी मतलब क्या होता है ना, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, और यू नो लाइक इफ समबडी इज नॉट एबल टू थिंक, इफ समबडी इज नॉट एबल टू cope up with the normal condition, they have the problem of anxiety. Okay, मतलब बिना मतलब का टेंशन करना, बिना मतलब का परेशान रहना, इसको बोलते हैं एंजाइटी, रेस्टलेस एक फीलिंग रहना. ओके, सो दैट एंजाइटी से भी रिलीव करने के लिए, और जो आपका फोबिक कंडीशन है, किसी चीज से डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को पहाड़ी से डर है, किसी को अंधेरे से डर है, सो सम एवरीवन हैज देयर ओन फोबिया, सो दिस मेडिसिन विल ऑल्सो हेल्प द पेशेंट टू एक्चुअली actually recover and you know like come over of their fears or the phobic conditions. Now these drugs is parent compound for the synthesis of many anxiety drugs such as diazepam. ये जो drug है ना benzodiazepines, ये एक्चुअली पेरेंट कंपाउंड है, मतलब मेन कंपाउंड है, जिससे कि दूसरे सारे जो एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन बनाया जाता है. ठीक है, अब देखो ये जो मेडिसिन है, ये करता क्या है, ये ड्रग्स जो है क्या कर सकता है, इट हैस्टन द स्लीप, रिड्यूस द इंटरमिटेंट अवेकनिंग एंड इंक्रीज टोटल स्लीप टाइम. मतलब ये दवाई अगर कोई लेता है, ये ड्रग्स अगर कोई लेता है, तो बहुत ज्यादातर उसका जो मतलब स्लीप टाइम बढ़ जाएगा, वो बहुत सोता रहेगा. ठीक है, सोता ही रहेगा हमेशा वो.
मतलब ज्यादा तो सोता रहेगा, स्लीप पेन बढ़ जाता है, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस स्केलेटल मसल, दे प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन विदाउट डिस्टर्बिंग वॉलंटरी एक्टिविटी, ठीक है। और ये स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देता है, ठीक है, करने में भी ये मतलब स्केलेटल मसल को कैसे ये इफेक्ट करता है, इट रिलैक्सेस द स्केलेटल मसल विदाउट डिस्टर्बिंग द वॉलंटरी एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट इज that was the first type, that is called tranquilizer type. Now we'll talk about the next type, that is sedative or hypnotic type. So psychotropic drugs ka char maine category humne dekha tha, to pehla tha tranquilizer, dusra bhi hum dekhenge sedative or hypnotic. Now dekho, sedative is a drug that reduces the excitement, then assuages pain and lowers the psychological and functional activity leading to drowsiness or sleep. सिरेटिव मतलब, सिरेटिव का मतलब होता है ये दवा जो क्या करेगी ना, मतलब लोगों को सुला देती है, मतलब नींद आएगा लोगों को, ड्राउजीनेस आएगा, नींद आएगा ये दवाई से। तो नॉर्मली द हिप्नोटिक और द सिरेटिव्स इज आल्सो अ ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब ये दवाई को खाने से तुमको नींद आता है, नींद आने लगता है, ठीक है। सो सिरेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स आर मोर और लेस जनरल CNS डिप्रेशन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, इससे जो नींद ज्यादा है वो आने लगता है, ठीक है। सो सेडेटिव क्या करते हैं ना, सेडेटिव इज एक्चुअली द ड्रग्स विच आर इंड्यूसिंग और स्टिमुलेट और व्हाट वी कैन से नॉट स्टिमुलेट, इट एक्चुअली इफेक्ट द CNS एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन विल फील स्लीपी एंड दे विल स्लीप साइमल्टेनियसली, ओके। Next, now this sedative, hypnotic, this category or this group or this type of psychotropic drugs can again further divide it in two types. First is barbiturates, second is benzodiazepines, दो तरह का, ठीक है। पहले हमने देखा था benzodiazepines, वही सेम यहाँ पे भी है, so benzodiazepines. But this time we call it as BZDS. Okay. Fine. First we talk about barbiturates. Now the barbiturates are what? So these are the synthetic drugs which are derivatives of barbituric acid. These are derivative of barbituric acid, and the barbiturates are general depressant for all excitable cells, but the CNS is more sensitive to this drugs. Maximum jo depressant cell test or cell cells ko effect karta hai, but jo CNS hai, that is the most, it is the most sensitive to this drug. Okay. Now these are taken to reduce anxiety and induce sleep. लोगों का एंजाइटी घटाने में और किसी को अगर नींद नहीं आता है तो नींद आने में, ठीक है, ये मदद करता है, इट इंड्यूसेस द स्लीप, ठीक है। और पॉपुलरली हम इसे जो बारबिट्यूरेट्स है ना, इन्हीं को हम एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स कहते हैं, दीज आर एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली नोन एज स्लीपिंग पिल्स। अब देखो, कुछ लोगों को नींद नहीं आता तो वो डेली इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डेली इसे यूज करेगा तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कंटिन्यूअस यूज ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन एंड सडन विथड्रॉल ऑफ कॉजेस लाइक एपिलेप्सी, ठीक है। तो अगर कोई कंटिन्यूअसली ये मेडिसिन लेता है मतलब सोने के लिए, नींद नहीं आता तो उनको, तो उनमें ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या है इनके, एग्जाम्पल्स स्लीपिंग पिल्स जो है, so the examples are phenobarbital, and mefobarbital. So mefobarbital and phenobarbital, or phenobarbital जिसको हम बोल सकते हैं, phenobarbital और mefobarbital. So these are the two examples of the sleeping pills. Now, second,
सेकेंड विल टॉक अबाउट, या जस्ट गिव मी वन मिनट, या दिस इज द सेकेंड वन, यस. नेक्स्ट इज बेंजो, सॉरी बेंजो डिएजेपाइन्स. ये क्या करता है? सो दीज आर एंटी एंजाइटी एज वेल एज सेडेटिव ड्रग्स एंड हैव बीन डिस्क्राइब यू नो लाइक लियाबियर. ओके, सो वी हैव डिस्क्राइब्ड एंड वी हैव डिस्कस्ड द बेंजो डिएपिजाइन. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि बेंजो डिएजेपाइन जो है इसका क्या काम है. दिस आर एक्चुअली बेसिकली ट्रैंक्यूलाइजर. ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. द सेम थिंग इज हियर एज वेल, दिस आर बेसिकली ट्रैंक्यूलाइजर. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टाइप इज नंबर 3, दैट इज ओपिएट और ओपिओइड नार्कोटिक्स. ओपिएट और ओपिओइड नार्कोटिक्स, सबसे पहले हमें तो जानना है ये ड्रग्स आते कहां से हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट इट. सो दिस ड्रग्स डिराइव फ्रॉम द ओपियम अलोंग विद देयर सिंथेटिक रिलेटिव्स व्हिच आर कॉल्ड ओपिएट्स और ओपिओइड्स. नाउ द ड्रग्स दैट रिलीव्स पेन्स बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस इज टर्म्ड एज एनाल्जेसिक और पेन किलर. देखो, जो मेडिसिन, जो ड्रग हमें दर्द से छुटकारा दिलाता है या फिर हमें दर्द पता नहीं चलने देता, वैसे मेडिसिन को हम कहते हैं एनाल्जेसिक. दैट ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज नोन एज एनाल्जेसिक और बेसिकली वी कॉल इट एज पेन किलर. ठीक है, नाउ ओपिओइड बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपिओइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. बेसिकली ये क्या करता है, ओपिओइड्स दे बाइंड विद द स्पेसिफिक ओपिओइड रिसेप्टर हमारे बॉडी में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है उसमें ये ओपिओइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ जाके ओपिओइड बाइंड हो जाता है. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड, बेसिकली नॉर्मली इट इज कॉल्ड पेन किलर्स. ठीक है, सो ओपिओइड नार्कोटिक्स और ओपिओइड और ओपिएट नार्कोटिक्स आर बेसिकली पेन किलर ड्रग्स. ठीक है, so we'll talk about, I think I should reduce it because it's not visible properly, so I think you should adjust with this only. Next, so you can pause and you can write down the points what I have just discussed, right? So we'll move on. Now opium, अब opium को commonly हम कहते हैं अफीम, AFEEM, अफीम. आपने सुना होगा अफीम के बारे में, है ना? So opium or afine is actually latex from the unripe fruits or capsule of poppy plants. So poppy plant जो होता है उसका जो scientific name है Papaver somniferum. Family क्या है? Papaviraceae. They belong to the family Papaviraceae. Scientific name क्या है? Papaver somniferum. ठीक है, Papaver somniferum is the scientific name. Right now the opium is the opium hack, actually it is the latex from the you know unripe fruits. Unripe fruit jo hota hai, capsule hota hai, uska jo latex hota hai poppy plants ka, poppy plants ke fruit ka unripe fruit ka jo latex hai usi se humko milta hai opium. It is a reddish brown in color. Kis color ka hota hai? Reddish brown color ka hota hai. It has heavy smell and bitter taste. Ye kadwa hota hai taste mein and it is eaten or smoked. ठीक है, अच्छा ये ओपियम जो है लोग इसको जो एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट हैं वो इसे कंज्यूम कैसे करते हैं? इधर दे विल एक्चुअली ईट इट, इसको खा लेते हैं ये, या तो दे विल स्मोक इट. ठीक है, इसको स्मोक करते हैं, दोनों में से कोई एक करते हैं. नाउ ओपिएट्स हैव नार्कोटिक एनर्जेसिक देन एस्फिजेंट दैट इज दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड सेडेटिव इफेक्ट्स. तो ये जो ओपियम होता है ये इसका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होता है, मतलब इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. क्या क्या करता है ये, इसके क्या क्या इफेक्ट हैं? सी फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट
दे हैव नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट और सेडेटिव इफेक्ट. एस्ट्रिंजेंट एंड सेडेटिव इफेक्ट. एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कर देता है. तो दैट इज हैविंग, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रग इफ समवन इज कंज्यूमिंग इट. नेक्स्ट अदर इफेक्ट, दे स्लो डाउन द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल ऑफ आई, डिक्रीज ग्लैंडुलर सीक्रीशंस, देन इम्पेयर एंड डाइजेशन, प्रोड्यूस नौजिया, वॉमिटिंग एंड स्टेरिलिटी. Now the opium addict loses weight, fertility and interest in work. So these are the other symptoms of the opium. ठीक है. Now opium का derivatives के बारे में हम भी बात करेंगे. There are some derivatives which are very very famous. You have already heard about it, I believe. So the derivatives opium of the derivatives क्या क्या है. See opium contains almost 20 alkaloids. ओपियम में कितने अल्कलॉइड्स होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स होते हैं. एंड मेन डेरिवेटिव्स ऑफ द ओपियम्स आर मॉर्फिन एंड कोडाइन. तो बहुत सारे होते हैं उसके अल्कलॉइड्स, इट हैज 20 टाइप्स ऑफ द अल्कलॉइड्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन डेरिवेटिव्स ऑफ द ओपियम्स आर टू. नंबर वन इज योर मॉर्फिन, सेकेंड वन इज कोडाइन और कोडीन. मॉर्फिन एंड कोडीन जो है ये इसके मेन जो है आपके डेरिवेटिव्स है, बट देयर आर सम अदर डेरिवेटिव्स एज वेल, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. तो पहला हम बात करेंगे मॉर्फिन के बारे में. ठीक है. मॉर्फिन, सी मॉर्फिन इट इज यू नो एक्टिव प्रिंसिपल एल्कलॉइड ऑफ ओपियम. ये अभी हमने बात किया, मॉर्फिन वन ऑफ द मेन एल्कलॉइड होता है ओपियम का. ठीक है. एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C17H19NO3. H19NO3. So it is also, it was isolated from Sir Turner. It was isolated by Sir Turner in 1805 and named it morphine after the Greek god of dreams, Morpheus. ठीक है. तो ये जो morphine है इसको Sir Turner जो थे उन्होंने इसको पहला फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको आइसोलेट किया था ओपियम से 1805 में. और इसका नाम क्या रखा था, मॉर्फिन. मॉर्फिन जो है था ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है. उसका नाम वो वर्ड है मॉर्फियस. सो मॉर्फियस एक्चुअली क्या था ना, मॉर्फियस वाज द गॉड ऑफ ड्रीम्स. अगर आपने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इफ यू हैव सीन हरक्यूलिस एंड इट्स कार्टून एंड ऑल, सो आपको पता होगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में क्या है ना, उनके अलग अलग गॉड थे फॉर अलग अलग पर्पसेस. ठीक है. फॉर लाइक फॉर वॉर दे हैव गॉड ऑफ वॉर, फॉर यू नो लाइक फॉर विजडम दे हैव गॉड ऑफ विजडम, फॉर ब्यूटी दे हैव गॉड ऑफ ब्यूटी. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट गॉड्स, लाइक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड वॉज हेडीज. ओके. सो दे यूज्ड टू कॉल एज टाइटन्स. उनको बेसिकली हम ग्रीक में हम उसे टाइटन्स बोलते हैं, मतलब ग्रीक में, ग्रीक माइथोलॉजी में उन्हें टाइटन्स कहा गया है. ठीक है. सो जो गॉड ऑफ ड्रीम्स थे उनका नाम था मॉर्फियस, उनके नाम से ये जो आपका मॉर्फिन है इसका नाम रखा गया. ठीक है. नाउ इट इज द प्रिंसिपल ओपियम एल्कलॉइड. ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड जो है ओपियम का, उसमें से ये आता है. एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक. इसका काम क्या है ना, इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एनर्जेसिक, मतलब पेन किलर. अभी हमने डिस्कस किया ना एनर्जेसिक. तो मॉर्फिन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब लोगों को बहुत दर्द होता है, दर्द से लोगों को बचाने के लिए या उसको रिलीफ देने के लिए हम ये मेडिसिन या मॉर्फिन जो ड्रग है यूज किया जाता है. ठीक है. एंड इट ऑल्सो हैव सेडेटिव एंड कामिंग इफेक्ट. ठीक है. ये इसमें सेडेटिव इफेक्ट भी होता है, सेडेटिव इफेक्ट भी होता है और कामिंग इफेक्ट भी होता है. द पर्सन लैक्स इनिशिएटिव एंड is unable to concentrate. The morphine is actually depresses respiratory center. It contributes to the fall in BP,